नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवगछिया में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या से लोगों में दहशत का माहौल। लॉकडाउन का पालन कराने पुलिस हुई सख्त। भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कोरोना को दी मात। 10 दिन रहेंगे होम क्वारंटाइन, घर से संभालेंगे जिला की कमान। बांका में खेलने के दौरान नहर में डूबने से मासूम की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बकाया राशि भुगतान की मांग को लेकर मजदूरों ने अमरपुर सीओ का किया घेराव। भुगतान नहीं होने पर आत्मदाह की दी धमकी। और जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। एक साथ मिले 79 पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 2100 के पार। और अब खबरें विस्तार से। नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र में कोरोना का बम लगातार फूटते ही जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी सहित शहर में 200 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जहां बिहार सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की है, जिससे कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ा जा सके, वहीं नवगछिया बाजार में लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा है। अहले सुबह ही बाजारों की लगभग सभी दुकानें खुल जाती है और लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही सामानों की खरीदारी में जुट जाते हैं, जिसके कारण तेजी से संक्रमण फैलता जा रहा है। कोरोना से जंग जीतकर वापस लौटे नवगछिया थानाध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने शहर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर डंडा उठा लिया है। इस दौरान थानाध्यक्ष ने बाजार क्षेत्र में माइकिंग कर लोगों से सरकारी दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, जिसके बाद थानाध्यक्ष ने बाजार में अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों की जमकर क्लास लगाई। वहीं पुलिस की कार्रवाई से लोग काफी उत्साहित दिखे। भागलपुर प्रशासनिक महकमे और आम लोगों के लिए एक सुकून भरी खबर है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार कोरोना वायरस से जंग जीत गए हैं। दरअसल पिछले दिनों डीएम प्रणव कुमार कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद चिकित्सकों के परामर्श पर उन्हें पटना जाना पड़ा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीएम स्वस्थ होकर पटना से भागलपुर लौट रहे हैं। वहीं फिलहाल 10 दिनों तक जिलाधिकारी होम क्वारंटीन रहेंगे और अपने आवास से ही जिले का कामकाज देखेंगे। बांका अमरपुर थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर इटहरी गांव के समीप खेलने के दौरान एक मासूम नहर में जा गिरा। घटना में बच्चे की मौत मौके पर ही हो गई। मृतक बच्चे की पहचान रामचंद्रपुर निवासी सिंटू यादव के 3 वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि तेज बारिश के कारण नहर में पानी बढ़ गया, जिसको देखने कई बच्चे नहर के पास पहुंचे, तभी अंकुश नहर में डूब गया, जिसके बाद बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तभी स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बच्चे को पानी से बाहर निकाला, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। अभी आधा घंटा पहले एक बच्चा खेलने के क्रम में घर के पास ही एक सिंचाई नहर गुजरा हुआ, उसमें खेलने के क्रम में डूब गया और उसका माँ बाप खेत काम करने के लिए गया हुआ था। काफ़ी खोजबीन करने के बाद में पता चला, तब फिर वो दाँड में फिरने के लिए एक आदमी गया अंदर, उसका पप्पा। एक बार गया तो नहीं मिला, फिर दोबारा गया तो फिर मिला, उसको निकाला गया। उसके बाद फिर सारे बच्चे को लेकर गोद में पूरा मातम पकड़ा गया। पता हाल हमारा कैसा हो गए घटना, नहावे के क्रम में की पानी ज्यादा चले की। बांका अमरपुर प्रखंड में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में कार्य कर रहे मजदूरों ने बकाया राशि भुगतान की मांग को लेकर बुधवार को अमरपुर सीओ सुनील कुमार शाह का घेराव किया। इस दौरान मजदूरों ने प्रखंड कार्यालय के मेन गेट पर बैठकर अपना आक्रोश व्यक्त किया, जिसके कारण प्रखंड कार्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बर्तन दुकानदार श्याम साल लहरी ने बताया कि लॉकडाउन में बने क्वारंटाइन सेंटर में आए प्रवासी मजदूरों के लिए सीओ एवं अंचल नाजीर के द्वारा दुकान से 1,20,000 रुपये का बर्तन लिया गया था, जिसमें अग्रिम रूप से 40,000 रुपया मिला है। शेष 80,000 रुपये बकाया है।
क्वारंटाइन सेंटर बंद होने से लगभग 2 माह बीत गए हैं, लेकिन अब तक बकाया भुगतान नहीं किया गया है। जब बकाए की राशि की मांग की जाती है तो सीओ तरह तरह के बहाने बनाकर टाल मटोल कर रहे हैं। वहीं हलवाई गौतम पोद्दार ने बताया कि मेरा मजदूरी का लगभग 2.5 लाख रुपया बकाया है, जबकि मेरी बहन कोरोना पॉजिटिव है और उनका इलाज भागलपुर में चल रहा है। कई बार बकाया रकम देने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सीओ के द्वारा सिर्फ बहानाबाजी के सिवा कुछ नहीं मिला है। वहीं रवि किराना स्टोर टेंट संचालक सफाई कर्मी का बकाया भुगतान नहीं होने से इन लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मामले को लेकर सीओ सुनील कुमार शाह ने बताया कि अंचल कार्यालय में कई कर्मियों का तबादला हो गया है, जिसमें अंचल नाजिर भी हैं। नजारत का चार्ज मिलते ही सभी मजदूरों का बकाया राशि की भुगतान कर दिया जाएगा। बोल रहे हैं सीओ साहब, रोज बोलते हैं कि नाजिर, नया नाजिर आएगा तब पेमेंट देंगे, और पुराने नाजिर को पेमेंट करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम 2-3 दिन में आपका पैसा दे देंगे, लेकिन नहीं मिला, पैसा नहीं मिला और हम लोग भुखमरी के कगार पे। सर भला बर्तन का पैसा दीजिए, आपको 15 दिन चला के पैसा दे देंगे, मगर उसी टाइम में 1,20,000 दे के 40,000 मात्र उसी टाइम में दिया है नकदी। उसके बाद पैसा के लिए हम आज 2 महीना से भटक रहे हैं। सीओ साहब बोलता है कि नाजिर देगा, नाजिर बोलता है सीओ देगा। अब गुस्सा में दोबारा बोला हमको गोली मार दो, पैसा नहीं दे रहे हैं। तो जिले में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या शहरवासियों के लिए संकट का संदेश दे रही है। सूबे में संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। राज्य सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य महकमा भी कोरोना पर शिकंजा कसने में विफल नजर आ रहा है। बुधवार को आई ताज़ा आंकड़े की यदि बात करें तो जिले में 79 नई संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2000 पार कर गया है। इसके बावजूद शहर में लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है और ना ही लोग घरों में रहने वाली बात को मान रहे हैं। वहीं पड़ोसी जिला बांका में 2 एवं मुंगेर में 4 संक्रमितों के अलावा पूर्णिया में 49 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। इधर राजधानी पटना में हमेशा की तरह राज्य में सर्वाधिक 452 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए संपूर्ण बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसके बावजूद संक्रमितों के आंकड़ों में लगातार हो रही वृद्धि लॉकडाउन को विफल साबित कर रही है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन,
अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा, डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच, डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG, अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था, लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। कोरोना वायरस के डर से डॉक्टर भी अपना क्लिनिक बंद रख रहे हैं, जिसके कारण सामान्य रोग से ग्रसित मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जिले में अब तक एक दर्जन से अधिक डॉक्टरों में कोरोना की पुष्टि हुई है। डॉक्टर के अलावा कई पारा मेडिकल स्टाफ भी कोरोना की चपेट में हैं। ऐसे में नोवेल कोरोना वायरस को लेकर डॉक्टरों में भय बढ़ गया है, जिसके कारण वो क्लिनिक खोलने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस के मद्देनज़र राज्य में लागू महामारी अधिनियम के अनुसार ऐसा करना गलत है। वहीं भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि शहर में कुछ क्लिनिक के स्टाफ और डॉक्टर में कोरोना की पुष्टि हुई है। सिविल सर्जन ने कहा कि बिना वजह के क्लिनिक बंद रखना गलत है और ऐसे क्लिनिक संचालकों के विरुद्ध एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। CS डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टरों को सावधानी के साथ मरीजों का इलाज करना चाहिए। सिविल सर्जन ने स्पष्ट कर दिया कि इस महामारी के समय अगर बिना कारण के निजी क्लिनिक बंद हैं तो वैसे क्लिनिक या नर्सिंग होम के संचालकों के खिलाफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस भेजा जाएगा। इधर आदमपुर स्थित स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसकी चपेट में उनका क्लिनिक भी आ चुका है। डॉक्टर अजय ने कहा कि उनके स्टाफ को कोरोना हो गया है, जिसके कारण उनका क्लिनिक बंद है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार फिलहाल लोगों को दूरभाष पर ही परामर्श दे रहे हैं। अनलॉकडाउन तो हुआ, लेकिन उस अनलॉकडाउन पीरियड में भी उसको ठीक से पब्लिक को टैकल नहीं किया गया और परिणाम आपके सामने है। ऐसे में कई क्लिनिकों में कोरोना का संक्रमण हो चुका है। जैसे मेरे ही क्लिनिक में कोरोना का संक्रमण स्टाफ को हो गया, वो बाहर से आया, वो कहीं रहता था और वो जिसके साथ रहता था वहां से आ गया। कोरोना किधर से आ जाएगा कहना मुश्किल है, जबकि तमाम सावधानियां हम लोग बरतते थे और इसके चलते स्टाफ में डर हो गया और वो भाग गए। सरकारी तो है नहीं कि नौकरी जाने का खतरा है, स्टाफ को यहां से वहां, वहां से वहां करता है। तो ऐसे में प्राइवेट क्लिनिक बंद होना लाजमी है और स्टाफ को संभालना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर यदि कर भी दे, समस्या है कि उसको कैसे टैकल किया जाए। हम लोग फोन नंबर अपना रिलीज किए हैं, सभी डॉक्टरों से अनुरोध है कि वो भी अपना फोन नंबर रिलीज करें और हर संभव फोन पर कोशिश करें और कुछ लोग इमरजेंसी देख सकते हैं तो देखें। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे ने तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मियों को 31 जुलाई तक कोर्ट परिसर आने पर रोक लगा दी है। जिला जज ने हाई कोर्ट और DVA द्वारा लिए गए निर्णय को लेकर कहा कि जरूरत नहीं होने पर क्लास 3 और 4 के कर्मचारी कोर्ट परिसर नहीं आएंगे। जिला जज के आदेश के बाद सिस्टम ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और संविदा कर्मियों को 31 जुलाई तक कोर्ट नहीं आना होगा। उन्होंने कहा कि यह आदेश कहलगांव नवगछिया कोर्ट के कर्मियों पर भी लागू होगा, जबकि DVA ने भी 31 जुलाई तक वकीलों को कोर्ट नहीं आने का निर्देश जारी किया है। कोरोना संकट को देखते हुए सामाजिक दायित्व के तहत भारतीय स्टेट बैंक ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल को वेंटिलेटर, PPE किट और ग्लव्स उपलब्ध कराया। बैंक के उप महाप्रबंधक संजय कुमार ने अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक को सामान सौंपा। DGM ने कहा कि कोरोना संकट के बीच बैंकिंग सुविधा के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभा रहा है।
वहीं प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर कुमार गौरव ने इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक का आभार व्यक्त किया है। मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशांत कुमार बरियार, सहायक महाप्रबंधक विजय कुमार झा, मुख्य प्रबंधक जितेंद्र कुमार, किशोर पांडे, अमित कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कोविड 19 से संक्रमित हुए सभी अधिकारी और कर्मी अब स्वस्थ हो गए हैं। दरअसल TMVU के एक अधिकारी के कोरोना संक्रमण होने के बाद संपर्क में आए विश्वविद्यालय के कई अन्य अधिकारियों और कर्मियों ने 6 जुलाई को मायागंज स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एहतियातन कोविड-19 का सैंपल दिया था। जांच में कुछ अधिकारी और कर्मी संक्रमित पाए गए थे। TMVU के PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि विश्वविद्यालय के सभी संक्रमित अधिकारी और कर्मी अब स्वस्थ हो रहे हैं। पहले की अपेक्षा उनके स्वास्थ्य में काफ़ी तेजी से सुधार हो रहा है। क्वारंटीन अवधि पूरा होने के बाद जल्द ही सभी अधिकारी और कर्मी पूरी तरह से स्वस्थ होकर विश्वविद्यालय के विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन और विश्वविद्यालय में कंटेनमेंट जोन बनने के बावजूद भी छात्र हित के कार्यों को निष्पादित करने पर काम चल रहा है। इधर TMVU के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने संक्रमित सभी अधिकारियों और विश्वविद्यालय कर्मियों के जल्द पूरी तरह से स्वस्थ होने की कामना की है। बांका फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र के NPS मोहनपुर विद्यालय में मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने स्कूल में रखे चावल पर हाथ साफ कर दिया। विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका कुमारी रीता ने बताया कि बुधवार को नामांकित बच्चों के अभिभावकों के बीच मध्याह्न भोजन का चावल का वितरण करना था। अभिभावकों की उपस्थिति में जब चावल निकालने भंडार कक्ष गई तो ताला टूटा मिला। वहीं कमरे के अंदर दोनों ड्राम का मुंह खुला था एवं फर्श पर चावल गिरा था। उन्होंने बताया कि उक्त चावल फरवरी माह का अवशेष चावल था। 4 क्विंटल 69 kg और रात में ही तोड़ के चोरी हुआ है। हाँ। कितना होगा लमसम कटिंग चावल? 8 किलो उतना ही 4 क्विंटल पूरे रसोईया डाल के ही गई है हड़ताल के पहले। उसके बाद आए बीच में तो हम लोग उधर नहीं होता था, झाड़ू लगा के देख के चले आते थे। 8 किलो और 12 किलो। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के बैनर तले 17 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य संविदा कर्मी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। भागलपुर DPM कार्यालय परिसर में संघ के भागलपुर इकाई अध्यक्ष विनय कुमार उपाध्याय एवं सचिव धनंजय कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य संविदा कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और अविलंब अपनी मांगों को पूरा करने की सरकार से गुहार लगाई। इस दौरान समान काम के बदले समान वेतन, सेवा नियमित करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य से उपकेंद्र स्तर तक के संविदा कर्मियों का बकाया मानदेय भुगतान करने, NHM के पूर्व कार्यरत कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने, आउटसोर्सिंग को बंद करने, चयन मुक्त किए गए संविदा कर्मियों को बिना शर्त सेवा वापस लिए जाने की मांग की। उपाध्यक्ष विनय कुमार उपाध्याय ने कहा कि सरकार NHM के तहत कार्यरत सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों का लगातार शोषण कर रही है, जिसको लेकर सरकार के समक्ष कई बार मांग रखी गई, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई पहल नहीं की गई, जिससे संविदा कर्मी काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी संविदा कर्मी जनता के हित में अपनी सेवा देते रहेंगे, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर अन्य सभी कार्य से संविदा कर्मी अलग रहेंगे। इस मौके पर काफ़ी संख्या में स्वास्थ्य संविदा कर्मी मौजूद थे। मुख्य मांग है NHM कर्मी जो भी हैं उनका मुख्य मांग है कि नियमितीकरण होना चाहिए और नियमितीकरण होने तक कम से कम 40% सबका वेतन वृद्धि होना चाहिए। साथ साथ जो भी हैं आउटसोर्स हैं या जो भी हैं वो सब सारा बंद होना चाहिए। सभी को नियमित करके सरकार ये हाँ और सबका जो है सो जितने भी हम लोग संविदा कर्मी हैं कोई भी आदमी हर आदमी अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ रहा है और सरकार से को ये बाध्य होकर हम सबको नियमित करना होगा। इस मांगों को लेकर हम आज से समर्थन हड़ताल कर रहे हैं। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवगछिया में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या से लोगों में दहशत का माहौल, लॉकडाउन का पालन कराने पुलिस हुई सख्त।
भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कोरोना को दी मात, 10 दिन रहेंगे होम क्वारंटाइन, घर से संभालेंगे जिला की कमान। बांका में खेलने के दौरान नहर में डूबने से मासूम की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बकाया राशि भुगतान की मांग को लेकर मजदूरों ने अमरपुर सीओ का किया घेराव, भुगतान नहीं होने पर आत्मदाह की दी धमकी। और जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, एक साथ मिले 79 पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 2100 के पार। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।